हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईरान न्यूक्लियर डील। नाउ रिसेंटली सम न्यू अपडेशंस हैव बीन सीन इन ईरान न्यूक्लियर डील, स्पेशली अभी वियना में कुछ समय पहले ही सबमिट हुआ, इससे संबंधित एक सेशन मीटिंग हुई जिसमें ईरान के ऑफिशियल्स ने भी आफ्टर मार्च पार्टिसिपेशन अपना दिया है। तो 2018 के बाद से ही, जब से यूएस ने विड्रॉल करा था इस डील से, बहुत से वेस्टर्न नेशंस भी ये डिमांड कर रहे थे कि कुछ नई अपडेशन इसमें होनी चाहिए, ठीक है जी। अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली क्या ये है, कब ये साइन करी गई थी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, और किन किन देश जो है, कौन कौन से ऐसे देश हैं दोज आर बेसिकली नॉट इन फेवर ऑफ दिस डील, सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल फर्स्ट। फर्स्ट 10:15 बजे हमारा सेशन रहता है डेली एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, यू कैन टेक दिस सेशन, इसे भी आप फॉलो करेंगे। मेंस करंट अफेयर सेशन है, जो विद्यार्थी एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट वॉचिंग वीडियो है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का हमारा 6:15 बजे सेशन रहेगा। देखिए करंट अफेयर चाहे मेंस है या प्रीलिम्स है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेंस देखिए कैसे आपके मेंस में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, ये तभी आइडिया मिलेगा जब इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। एंड प्रीलिम्स की बात करें तो भाई एचपीएस के प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड सवाल रहते हैं, ना सिर्फ एचपीएस एग्जाम में, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, हिमाचल के तकरीबन सभी एग्जाम्स में जो है आपके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन भी आप जरूर देखेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी एचपी सेक्रेटरी क्लरिकल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8 बजे उनके लिए सेशन रहता है। टॉक अबाउट सी सेट पोर्शन, तो सी सेट से भी संबंधित हमारा 9 बजे सेशन रहेगा, ठीक है जी, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग तीनों की ही सेशंस की क्लासेस आप देख पाएंगे। ये अदर देन दिस यूट्यूब शॉर्ट्स है हमारे, जो रात 9 बजे आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स द्वारा बनाए गए सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज या सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ जो है मोटिवेशनल वीडियोस भी टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं, सो यू कैन गो थ्रू दीज ऑल वीडियोस। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन। सो नाउ रिसेंटली व्हाट हैपेंड, अभी क्या है, रिसेंटली एक नई शुरुआत करने की बात करनी कर रहे हैं देश, स्पेशली जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम था 2015 में एस्टेब्लिश करा गया था, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बट जैसा मैंने कहा, 2018 में जब यूएस ने विड्रॉल इससे कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद से ही, बिकॉज यूएसए वॉज द लीडिंग नेशन इन इट, एंड यूएसए अगर विड्रॉल कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका सिग्निफिकेंस कम होता है। तो अब फिर से एक बार से रिवाइव करने की इसको बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली भी रिसेंटली रहा, और मार्च मंथ के बाद ये जो सेशन वियना में हुआ है 2022 में मार्च में लास्ट सेशन हुआ था, और अभी जो है पिछले मंथ ही, इस मंथ ही सॉरी, जो है इसको रिवाइव करने की वियना में बात करी गई है। चलिए अब जरा इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो इट वाज एन एग्रीमेंट साइंड इन जुलाई 2015, ऑलराइट, बिटवीन ईरान एंड P5 नेशन, ठीक है जी, प्लस वन एंड यूरोपियन यूनियन। सिंपल याद रखेंगे, ईरान और जो आपके परमानेंट यूएनएससी के सदस्य हैं देश, उनके बीच ये साइन हुआ। जर्मनी इसमें है प्लस वन, एंड यूरोपियन यूनियन के नेशंस भी इसमें शामिल रहे हैं। अब इसमें क्या था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो इट वॉज बेसिकली अ सिविल न्यूक्लियर डील। इससे बेसिकली ये था कि भाई जो ये प्रोग्राम होगा ईरान सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए ही, पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इसका इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये ईरान को जो है बात माननी पड़ी। इसके अलावा ईरान ने इस बात पर भी एग्री किया कि जो उनके स्टोर है सेंट्रीफ्यूग जो स्टोर है, या यूरेनियम और हैवी वाटर के उनके प्लांट एस्टेब्लिश करे हैं, उनको भी नहीं करेंगे, जो पुराने हैं उनको भी बंद किया जाए, ठीक है जी, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है निर्माण सीक्रेटली ईरान द्वारा किया जाए जा सके। इसके अलावा ये भी जो है इंश्योर करा ईरान ने कि IAEA, ठीक है ना, आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर्स हैं वो आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं हमारी सभी साइट्स को, कि कहीं हम जो है अलाइजली डेवलप तो नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन।
अपनी तरफ से ईरान ने कह लीजिए ओपन हार्टेडली, बिकॉज सेंक्शंस जो हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी ईरान की बहुत डाउन गई थी, उसको रिवाइव ईरान करना चाहता था। इसके बदले में सिर्फ इतना करना था आपके यूएस एंड पी फाइव नेशंस को कि जो लिफ्ट्स हैं इकोनॉमिक सेंक्शंस लगाए हैं या यूएनएससी द्वारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सेंक्शंस लगाए गए हैं, पॉलिटिकल सेंक्शंस इंटरनेशनली फेस करने पड़ रहे हैं, सभी को लिफ्ट करने की बात यहां पर इन मेंबर देशों ने करी थी। ठीक है जी, तो 2015 से 2018 तक बहुत अच्छा चलता रहा, बट 18 में फाइनली यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है और जितने इफेक्टिवली हम चाह रहे थे इस डील को वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज ईरान एक्टिवली सीरिया या अदर जो रीजन है वहां पर अपना इन्फिल्ट्रेशन कर ही रहा है, अपनी सहभागिता अपने रोल जो है उसको बढ़ा रहा है, एंड फॉर दिस रीजन यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद ईरान, फाइनली दे डिसाइडेड टू लीव दिस एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स अगर एग्रीमेंट टूटेगा तो रीइंपोजिशन ऑफ क्या हुआ यहां पे, एक बार फिर से जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस द्वारा या यूएस पावर ब्लॉक द्वारा वो फिर से रीइंपोजिशन उसकी ईरान पे होती। नाउ बिकॉज ऑफ दैट कि ईरान जो है बहुत से देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं, अपना ऑयल नहीं बेच सकता, जैसे भारत भी उसमें शामिल है, नहीं तो काटसा है, काटसा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है जी, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसका सिग्निफिकेंस हमें से पता चल रहा है ना। इश्यूज जो है जैसे मैंने कहा भाई 2018 में विड्रॉल जब यूएसए करता है तो रीइंपोजिशन सैंक्शन की हो जाती है। तो ईरान ने भी क्या किया, उनकी लिमिट थी JCPOA के तहत की यूरेनियम का जो इन्वेस्टमेंट है 3.67% से ज्यादा नहीं करेंगे, तो 2021 तक ये बढ़कर 20% हो गया। ठीक है ना, और इट आल्सो क्रॉस द अनप्रेसिडेंटेड लिमिट ऑफ 60%, जो कि 90% जो है जो बॉम्ब बनाने के लिए इनरिचमेंट का चाहिए यूरेनियम का उसके बहुत क्लोज है। तो इससे बड़ा क्लियर हो गया कि कल को ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो अगर यूएस पावर ब्लॉक जो है सैंक्शंस लिफ्ट मतलब फिर से इंपोज नहीं करता तो हो सकता है ईरान इस डील को कंटिन्यू करता। नाउ इट्स अ डेंजर फॉर द होल वर्ल्ड, है ना, तो फिर से इस पर रिवाइव करने की बात एक बार फिर से चल रही है। अब जरा हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई कौन कौन से देश कौन से पावर ब्लॉक जो है इसको अपोज कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ईरान इज अ मिडल ईस्टर्न नेशन एज यू कैन सी इन दिस मैप, और इनका जो सबसे बड़ा राइवल नेशन रहा है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था इसमें आपने हमको डायरेक्टली शामिल भी नहीं करा, ना ही हमारा कोई कंसेंट लिया। देखिए ईरान के साथ अगर आप इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो जो एंटायर आपका मिडिल ईस्टर्न रीजन है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये सभी देश खुश हैं क्या कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ईरान के साथ वेस्टर्न नेशन साइन कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या इन सभी देशों का कंसेंट लिया गया, क्या इनको शामिल करा गया, क्या रीजनल इंबैलेंस नहीं बढ़ेगा इससे, ये एलिगेशन जो है यहां पर सऊदी अरेबिया ने लगा और कहा कि दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस, ये जो नेगोशिएशंस हुए हैं कंप्लेन करी है इससे संबंधित। ठीक है जी, तो प्राइमरी राइवल यहां पर सऊदी अरेबिया ही, इसके अलावा यूएस अलाय, जो भी देश यूएस अलाय के साथ जुड़े हैं मिडल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं इसराइल का रीजन, इसराइल इज द मेजर पार्ट सपोर्टर ऑफ यूएसए। ठीक है जी, तो जो स्टांस 2018 में यूएसए ने लिया उसको ईरान यहाँ पे सॉरी इसराइल यहाँ पे सपोर्ट करता दिखा, उन्होंने कहा व्हाटएवर द यूएसए इज डूइंग, ठीक है जी, गुड फॉर ऑल। तो कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल उठने चाहिए, या जो वेस्टर्न और नेशन है उन्होंने भी यूएस के इस स्टांस को सपोर्ट करा है। ठीक है ना, ये तो भेड़ चाल हम देखते ही हैं कि कभी भी यूएसए कोई एक्शन लेता है तो उनके पावर ब्लॉक में जो भी नेशन है वो सपोर्ट ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हमें दिखते हैं। तो ये जो है ऑपोजिशन साइड्स हैं, एंड अब जरा देखेंगे कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है इसका सिग्निफिकेंस, भारत के लिए क्या ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है इसका क्या सिग्निफिकेंस था, अगर रिवाइव होगा तो क्या हमारे लिए फायदे इसके तहत रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला है इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी, इट विल एनहेंस अ रीजनल कनेक्टिविटी। देखिए ईरान इज अ इंपॉर्टेंट जो है एक रीजन पार्टनर है मिडल ईस्ट में, अगर इफ वी वांटेड टू एनहेंस अवर रिलेशन इन मिडल ईस्टर्न नेशंस और विद सेंट्रल एशियन नेशंस, सो हियर ईरान कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज यू कैन सी थ्रू दिस मैप, बिकॉज हियर वी आर डेवलपिंग द चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट है यहाँ पे, इन पोर्ट्स पर अगर हमें अपना एक्सेस बढ़ाना है फ्रदर ईरान के माध्यम से, इफ वी वांट टू गो थ्रू विद मिडल ईस्टर्न नेशन, उनके साथ संबंध बेटर करना चाहते हैं, ईरान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है।
इसके अलावा सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो ये सारे देशों ऊपर है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है जी, ये सारे लैंड लॉक रीजन है, डायरेक्ट भारत के साथ ट्रेड इनके साथ नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशन बनाने में इंडिया को समस्या है, बिकॉज हियर बफर स्टेट है पाकिस्तान, ठीक है ना, एंड वी डोंट हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, हमारे राजनीतिक संबंध जो है पॉलिटिकल रिलेशन पाकिस्तान के अच्छे 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 नहीं है, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड लॉट इन अफगानिस्तान, ऑलराइट, सो हियर अगेन ईरान का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए है, अगर हम फर्दर अफगानिस्तान में ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, मिडिल ईस्टर्न नेशंस में, सॉरी सेंट्रल एशियन नेशन में बढ़ाना चाहते हैं, या फर्दर इस पूरे ट्रेड रूट पर जो पूरी दुनिया का तकरीबन 25% ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो हमारे यहां पर यह है कि हमें यहां पे अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इंडिया की, बिकॉज देखिए ग्वादर पोर्ट यहाँ पे बहुत जरूरी, बहुत नजदीक है चाबार पोर्ट से, 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर अवे। नाउ अगर हमारी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है जी, वो तब बढ़ेगी जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की वजह से हम डायरेक्टली ट्रेड अपना ईरान के साथ कर पाएंगे, जैसे जब से सेंक्शंस द्वारा से रीइंपोज हुए तो हमने ऑयल जो है ईरान से खरीदना तकरीबन जीरो कर दिया, इसकी वजह से रिजल्ट हमें भुगतने पड़ा 2020 में, जो रेलवे प्रोजेक्ट था जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट, चाबार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट, वो हमारे हाथ से चला गया, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ी होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, एक चीज का नुकसान एक चीज का फायदा बाकी चीजों को भी इफेक्ट करता है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की वजह से एक लिबर्टी मिलेगी इंडिया को भी इस पूरे रीजन में, स्पेशली ईरान के साथ ट्रेड करने, ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारा INSPC, हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक सपना है, उसमें ईरान एक मेजर प्लेयर है, तो अगर हम ट्रेड का एक्सेस ही नहीं मिल पाया हमें फर्दर, तो दिक्कत रहेगी, इसलिए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है हमारा, एक्शन प्लान है, ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब कार्टसेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई कि देखिए यूएसए ने एक एक्ट पारित करा था जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका ये मतलब था कि जिन देशों पर हम इम्पोजिशन कर रहे हैं, जिन देशों पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है जी, उनके साथ आप कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बना सकते। इफ ऐसा कोई देश करता है तो क्या होगा, उसे भी जो है सैंक्शन फेस करने पड़ेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट समवेयर इंडिया ने 2018 के बाद से ही ऑयल, क्योंकि अच्छा इम्पोर्टेंट नेशन है ईरान इंडिया के लिए, पोटेंशियल मार्केट क्लोज है बहुत, तो भारत को उससे नुकसान बहुत हुआ, 0% ट्रेड वहां से कर दिया, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो है ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है। सो वी होप कि एक रिवाइव हो इसका और एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें पार्टिसिपेंट हो, ताकि जो है सैंक्शन रिलीज करें, ईरानी की इकोनॉमी होगी एंड ऑफ कोर्स गुड फॉर इंडिया। एक इसमें मेजर और पॉइंट है कि ग्वादर पोर्ट की मैंने बात करी कि भाई स्ट्रेटेजिकली ग्वादर पोर्ट पर जब है हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल रखेंगे, हमारी यहाँ पर रहेगी कहीं ना कहीं इंपैक्ट ग्वादर पोर्ट पे पड़ेगा, तो जो पाकिस्तान चाइना एक्सप्रेस है इसको भी काउंटर करने में हमें ईरान की सहायता की जरूरत है। Now, आज के लिए इतना ही। Now we can talk about some of the free initiatives on YouTube, जिसमें economic survey 2021-22 का आप देख पाएंगे, basic knowledge of हिमाचल प्रदेश सीखे, इसके संबंधित हमारे बहुत से वीडियोस हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है जी, HPAS, NAP, तहसीलदार एग्जाम, क्लरिकल एग्जाम, सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन से संबंधित हमारे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे हैं, यू कैन आल्सो गो थ्रू विद दीज। अदर देन दिस, मेंस राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से संबंधित रिलेटेड वीडियोस भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा HPGK रिवीजन सीरीज हमने शुरू करी है, तो ये सभी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे, जो आप डेली देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट टू क्रैक द एग्जाम, व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, डजंट मैटर, ऑलराइट। Now we can talk about some of our paid initiatives. First, when we can talk about our HPAS offline batch. ठीक है जी, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, चंडीगढ़ आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है जी, क्लासरूम टीचिंग का अनुभव लेना चाहते हैं, 60,000 जो है हमारे इस कोर्स की फीस रहेगी।
एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम टू चंडीगढ़ और आप यहां आके पढ़ें तो आप घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, 25,000 HPS के इस कोर्स की हमारी फीस रहेगी। इसके अलावा नायब तहसीलदार अलाइड सर्विसेज से संबंधित हमारा बैच भी है, ये ऑनलाइन ही रहेगा, 12,500 इस कोर्स की हमारे फीस रहेगी। अदर देन दिस HP सेक्रेटरिएट क्लरिकल एग्जाम से रिलेटेड हमारा बैच है, 5,000 इस कोर्स की फीस है। HP सब इंस्पेक्टर बैच हमने स्टार्ट करा है, 6,500 इस कोर्स की फीस रहेगी। एंड JOAIT क्रैश कोर्स हमने शुरू करा है, 5,000 इस कोर्स की भी हमारी फीस रहेगी। नाउ इसके अलावा देखिए, टेस्ट सीरीज कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज जो है जिसमें HPAS, नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज, इन तीनों ही एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं जी, ठीक है जी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है सही दिशा में होती रहे। सो दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट, आई होप कि अच्छे से आपको टॉपिक समझ आए हो, और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियोस के साथ जरूर जुड़े रहेंगे, तभी जो है देखिए कंसिस्टेंसी विल पे यू इन अ लॉन्ग रन। तो सभी वीडियोस को आपने मेंस करंट अफेयर्स के जरूर देखना है, ताकि जब मेंस आंसर राइटिंग हो तो उसमें काफी ज्यादा आपको सहायता मिले, ठीक है जी। चलें आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।